तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नए फीचर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं सैमसंग कलेक्टर के नए अपडेट के और नए फीचर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही काम का और बहुत ही यूजफुल फीचर है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो सर, उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाके देखेंगे तो आपको सैमसंग कैलेंडर ऐप का नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 5 फरवरी के दिन रोल आउट किया गया है, और इसका जो वर्जन नंबर है 12.4.03.7000। ये अलग अलग मोबाइल में अलग अलग टाइम पे आता है, जैसा कि मेरे पास ये आज आया। हो सकता है प्रीमियम फोन्स आपके पास हो तो आपके पास पहले भी आ चुका होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या नए अपडेट में नए फीचर एड ऑन किए गए। यहाँ पर दो नए फीचर एड ऑन किए गए हैं, रिकम टेंशन ऑन ऑफ फीचर इज कैलेंडर लैब मेन्यू और स्टिकर आइटम ऑन काउंटडाउन विजार्ड्स। तो दोनों ही कमाल के फीचर हैं, तो उसको कर लेते हैं अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या नए फीचर एड ऑन किए गए। जो सबसे पहला फीचर दिया गया है रिकमेंडेशन का, मतलब कि जो आपको रिकमेंड करता है वो वहां पर आपको नहीं दिखा है। कैसे, लाइक मैं ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद एक मिनट इंस्टॉल हो जाए, तो ये यहाँ पर आपको रिकमेंड करता है कि ऐड इवेंट कर लो, ये आपको दिख रहा होगा, इसको रिकमेंडेशंस कहते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपको रिकमेंडेशंस मिले तो आपको यहाँ जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है गैलरी लैब वाले ऑप्शन पे। लैब में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा हाइड इवेंट रिकमेंडेशंस, इवन इवेंट विद सिमिलर टाइटल वॉन्ट बी रिकमेंडेड व्हेन यू आर इवेंट टाइटल्स। आपको यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है, तो आप कोई भी आपको रिकमेंडेशंस नहीं मिलने वाली। तो इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पर जो सेकंड फीचर दिया है काउंटडाउन वाला, वो कैसे काम करेगा वो आपको बताता हूँ। लाइक मेरे को 8 तारीख को, या फिर मेरे को 1 मार्च में यहाँ पर मैंने एक इवेंट को डाला, माय बर्थडे, ठीक है, मैंने माय बर्थडे करके इवेंट को यहाँ पर एड ऑन कर दिया और इसको मैंने डाल दिया। अब मेरे को ये काउंटडाउन स्टिकर आप मिल सकता है, जिसको आप इजीली वहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर आपको करना है सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर विजार्ड्स में जाना है। विजार्ड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सैमसंग कैलेंडर ऐप में, ये आपको मिलेगी कैलेंडर ऐप में। यहाँ जाने के बाद आपको मिलेगा माय बर्थडे विजार्ड्स वाला, आपको उस पर काउंट डाउन पर क्लिक करना है और उसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद टैप ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने मार्च 1 का डाल रखा है माय बर्थडे वाला, आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो अब आपको ये बताने वाला है कि इतने दिन यहाँ पर लेफ्ट हो चुके हैं, अब इतने दिन बचे हैं, और बाद में आप इसको, आप कोई भी इवेंट यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी इवेंट डालना है आप उस पर क्लिक कर दें और वो इवेंट ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा और आपको बता देगा कि इतने दिन बचे, जिससे आपको याद रहेगा। आप जब भी अपने मोबाइल को अनलॉक करेंगे तो विजार्ड सामने रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि यार इतने दिन बचे हैं। ये इवेंट्स पे या किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी या जो भी चीज़ आप याद करना चाहो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और बाद में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था और यही नए फीचर एड ऑन किए गए जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।